प्रदेश की दूसरी राजधानी और विश्व पर्यटन स्थल होने के नाते धर्मशाला में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पार्किंग का ज्वलंत मुद्दा सभी के लिए सरदर्द बन चुका है। इसी को देखते हुए 3 साल पहले धर्मशाला में एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत करोड़ों रुपयों की लागत से मिनी सचिवालय और जिला सचिवालय के बाहर पार्किंग का निर्माण किया गया है। बावजूद इसके ये मल्टी पार्किंग आज दिन तक ना तो जिला प्रशासन को सुपुर्द हो पाई है और ना ही नगर निगम धर्मशाला इस पर हक जमा पाई है। यही वजह है कि ये पार्किंग अब लोगों के वाहनों के लिए प्रयोग में ना लाने के बजाय शहर के तमाम आवारा और बेसहारा जानवरों के लिए आरामगाह में तब्दील हो चुकी है। सरकारी कामकाज की लेट लतीफी का आलम यह है कि करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, बावजूद इसके पार्किंग को कब और कौन अंतिम रूप देगा ये जानकारी ना तो जिला प्रशासन के पास है और ना ही नगर निगम के पास। ऐसे में इस पार्किंग को अंतिम रूप कौन देगा, इसका कोई भी ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि नगर निगम की माने तो बार बार जिला प्रशासन से वे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से उन्हें कोई माकूल जवाब नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वो भी पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए लाचार हैं। वहीं जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति की माने तो ADB के जरिए तैयार हो रही पार्किंग अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही वजह है कि अभी यहां पार्किंग करवाना उनके वश में नहीं है, लेकिन जैसे ही पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद ही ये तय किया जाएगा इसे सुपुर्द किसे किया जाएगा। देखिए, एक बार बहुत पहले, 1 साल पहले मैं जिला प्रशासन के पास गया था, DC साहब से मेरी बात हुई थी। तो अगर अभी भी अगर जिला प्रशासन पार्किंग जो है कचहरी अड्डा में वो अगर कॉरपोरेशन को हैंडओवर करती है तो हम लोग उस पार्किंग को चला सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पार्किंग का टॉप फ्लोर ही यूज़ हो रहा है और नीचे वाले फ्लोर पे जो बेसमेंट के हैं उस पर पार्किंग यूज़ नहीं हो रही है। तो अगर जिला प्रशासन कॉरपोरेशन के नाम पार्किंग करता है या हमारे हैंडओवर करता है तो हम बेहतर रूप से उसको चला सकते हैं। इसमें दो इश्यूज़ थे। पहले भी एक बैठक हुई थी और ये ADB के माध्यम से बनाई जा रही है और अभी तक ये जो प्रॉपर्टी हमको हैंड ओवर हुई नहीं है। तो अभी जो पार्किंग चला रहे हैं वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि पार्किंग की समस्या है, इस वजह से पार्किंग चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो हैंड ओवर हमें हो जाता है तो उसके उपरांत देखा जाएगा कि ये बिडिंग करके किसी को देने की ज़रूरत है या हमारी ही कोई गवर्नमेंट की एजेंसी इसको चलाएगी। लेकिन वो जब तक कंप्लीशन का हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है तब तक अभी इस पर कुछ कहना वाजिब नहीं होगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।